नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशील पहल। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा राजधानी से गुजरने वाली ट्रेनों पर दिया जा रहा अल्पाहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर रायपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए जलपान सुविधा रायपुर जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आज से शुरू की गई इस सुविधा का जायजा लेने कलेक्टर सौरभ कुमार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और श्रमिकों से बात भी की। लंबी दूरी की इन रेलगाड़ियों में जिला प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ स्वयंसेवी संगठन इस कार्य में 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विभागों को CSIDC से जल्द रेट कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के लघु उद्योगों में उत्पादित सामग्रियों के विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए सभी विभागों को CSIDC के माध्यम से जल्द रेट कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों की सूची उद्योग विभाग CSIDC को तत्काल उपलब्ध कराने तथा CSIDC को शीघ्र अति शीघ्र समस्त वस्तुओं की दरें निर्धारित करने की कार्यवाही करने के लिए भी निर्देश दिए। आपसी विवाद के चलते जवान ने अपने 3 साथियों पर चलाई गोली, 2 की मौके पर मौत, 1 घायल। अमदई घाटी कैंप में जवानों के बीच झड़प हो गई। एक जवान ने साथी जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस फायरिंग में 2 जवानों की मौत हो गई, वहीं 1 जवान घायल भी हुआ है। बस्तर IG सुंदर राजपी ने मामले की पुष्टि की। इस घटना में PC बिंदेश्वर साहनी और रामेश्वर साहू की मौत हो गई, जबकि लक्षराम प्रेमी घायल है। गंभीर रूप से घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है। आरोपी जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,73,763 हुई। अब तक 4,971 की मौत। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से रोजाना 6,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1,73,763 हो गए हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 7,971 हो गई है। फिलहाल देश में 86,422 रोगियों का उपचार चल रहा है, जबकि 82,370 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। अभी तक करीब 42.89% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केजरीवाल का दावा, कोरोना से निपटने के लिए पूरे इंतजाम। 5 जून तक तैयार होंगे 9,500 बेड। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि राजधानी में महामारी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम है। उन्होंने कहा कि 5 जून तक कोरोना मरीजों के लिए 9,500 बेड तैयार होंगे। कोरोना के बीच गुजरात में हीका चक्रवात का खतरा, समुद्री किनारों पर अलर्ट जारी। कोरोना महामारी के बीच अब गुजरात के समुद्र तट पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। मौसम जानकारों का कहना है कि गुजरात के समुद्री तट पर हीका नाम का चक्रवात तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक हीका नाम का चक्रवात 4 से 5 जून के बीच गुजरात के द्वारका, ओखा और मोरबी से टकराता हुआ कच्छ की ओर जा सकता है। इस चक्रवात की वजह से कच्छ के कंडला और आसपास के इलाकों में भी भारी नुकसान हो सकता है। जायरा वसीम ने टिड्डियों के हमले को कहा अल्लाह का कहर। ट्रोल होने पर किया ट्विटर और इंस्टाग्राम डिलीट। कोरोना वायरस जैसी महामारी से देश उबर नहीं पाया था कि कई राज्यों को टिड्डियों का आतंक भी झेलना पड़ रहा है। टिड्डियों का दल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी कई जगहों पर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में फिल्मों को अलविदा कह चुकी जायरा वसीम अपने एक ट्वीट को लेकर काफी सुर्खियों में है। दरअसल टिड्डियों के हमले को लेकर जायरा वसीम ने ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने कुरान के एक आयत को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने भारत के टिड्डियों के हमले को चेतावनी और इंसान के कर्मों का फल बताया था। जायरा वसीम के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। बाद में उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया।
अब इस कंट्रोवर्सी के बाद एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद आज भारत लौटेंगे। कोरोना और लॉकडाउन के कारण 3 महीने से जर्मनी में फंसे थे। भारतीय ग्रैंड मास्टर और 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद शनिवार को जर्मनी से लौट आए हैं। वे कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद लगे वीजा प्रतिबंध के कारण वहीं फंस गए थे। भारत लौटने की जानकारी आनंद की पत्नी अरुणा ने दी है। विराट कोहली ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। फोर्ब्स 2020 की सूची में सबसे ज्यादा कमाने वाले इकलौते क्रिकेटर। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2020 के टॉप 100 में सबसे अधिक कमाने वाले एथलीटों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार विराट कोहली ने एक साल में $26 मिलियन रुपए कमाए हैं। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। अक्सर आपके संस्थान, घर, मकान, दुकान पे OTS होता है। OTS मतलब ओपन टू स्काई। ऐसी जगह हम खुला छोड़ देते हैं जिससे हमारा लेटरिन बाथरूम या किचन को प्रकाश मिलता हो, तो यह इन OTS पे हम विशेष ध्यान नहीं रख पाते। यह OTS कचरे, गंदगी, कबाड़ से भरा हुआ होता है। OTS का निर्माण हम करते हैं सूर्य के रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को उस स्थान पे प्रवेश कराने के लिए जो कि जहाँ कोई रोशनी नहीं है। तो आइए इन OTS को, इन खुले हुए स्थान पे हम पहले उसको साफ सुथरा करें, उस पे रंग रोगन करें या उसकी दीवार पे, पूरी दीवार पे टाइल्स लगा दें, या अगर टाइल्स लगा हुआ हो तो हम उसको हमेशा धोते रहें, साफ करते रहें, जिससे उस खुले हुए OTS से ज़्यादा प्रकाश आपके लेटरिन बाथरूम में या जहाँ प्रकाश जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रकाश घर को देना शुरू कर दें।